खैरागढ़ रियासत के राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया है। विभा सिंह ने स्वर्गीय देवव्रत सिंह की तलाकशुदा पत्नी को उनकी पत्नी बताने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के चलते उन पर विभिन्न जांच एजेंसियां पहले से ही सक्रिय हैं। वर्तमान में वह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बीच पूर्व सांसद स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने भूपेश बघेल पर राजा साहब के वजूद को मिटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम बघेल तलाकशुदा पद्मा सिंह को स्वर्गीय देवव्रत की पत्नी बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी विनती है सभी नांदगांव के पूरे लोकसभा पूरे के पूरे क्षेत्र से एक महिला की तरह मैं बोल रही हूँ। एक दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की विधवा के रूप में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पार्टी जो इंसान महिला का सम्मान नहीं कर सकता और ऐसी महिला का जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका हो और उनको घर से निकाल दिया जाए, उनके ऊपर हमला कराया जाए, सुरक्षा मांगने पे सुरक्षा ना दी जाए, मेरे पास वो चिट्ठियां हैं और उनको पहचानने से इनकार, भूपेश बघेल जी ने भी मुझे पहचानने से इनकार किया, उनकी विधायिका यशोदा वर्मा जी ने भी इनकार किया और मेरे पति का मूर्ति बनाया गया। कभी आपने सुना है कि किसी की दिवंगत किसी दिवंगत आत्मा की मूर्ति, अगर पर्सन की मूर्ति बनाई जाती है तो उनकी पत्नी को जरूर बुलाया जाता होगा, बताया जाता होगा, लेकिन मुझे बार बार छोड़ा गया। जब भूमि पूजा हुई तो भी छोड़ा गया और पूछने पे यशोदा जी ने कहा मैं उनको नहीं जानती। उसके बाद अभी फिर वही हुआ, भूपेश बघेल जी ने भी मुझे छोड़ दिया अनावरण के दिन और पूछने पे उन्होंने कहा वो नहीं जानते। मैंने प्रेजेंट सीएम जो है विष्णुदेव साई जी को एक लेटर लिखा था और कलेक्टर को भी शिकायत किया था कि मुझे भी बुलाया जाए, मेरे बिना जाने, मेरे से बिना कंसर्न लिए मेरे पति की मूर्ति लगाई जा रही है, तो उस पे एक्शन तुरंत हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।